नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार के नवादा में महादलित टोला में दबंगों ने फायरिंग के बाद 80 से ज्यादा घरों में आग लगाने की घटना को विकासशील इंसान पार्टी के नेता पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने महाजंगल राज का नाम दिया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। मुकेश सैनी ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि करीब 80 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार को बताना होगा कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दलितों, पिछड़ों, गरीबों और महिलाओं पर अत्याचार चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध रखी है। नवादा की घटना पर भी लीपापोती का खेला शुरू हो गया है। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि सत्ता के मुंह में एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गई है, वे भी सरकार की पिछलग्गू बन गई है। उन्होंने लोजपा, रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बड़बोले नेता भी इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ही भाषा बोल रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के नेता ने जोर देकर ये भी कह दिया कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और उनको सजा दिलाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में आम ग्रामीण गरीब असुरक्षा और खौफ के साए में जीने को मजबूर है। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि ऐसा अन्याय करने वाले दबंगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सभी पीड़ितों का समुचित पुनर्वास किया जाए। अब ऐसे में इस मामले को लेकर बिहार के अंदर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और देखा जाए तो विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं। ऐसे में क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर इस मामले को विपक्षी पार्टियां आगे भी घेरती हुई नजर आएंगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।